गुड मॉर्निंग एवरीवन. हबी गुड मॉर्निंग मैम. आई एम गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. आई एम फाइन मैम. एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन. व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन. एंड हम सभी ने जो लास्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एनर्जी, तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी. सो वी ऑल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. एंड इन दिस क्लास वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो आज हमें इस क्लास में पढ़ना है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी. एनर्जी के मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं? ओके. यस मैम. यस मैम. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और हम सभी ने ये भी पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या डिफरेंस है. याद होगा आप सभी को? यस मैम. यस मैम. चलिए, कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका आंसर? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है? यस, शो मी योर हैंड. वेट वेट. यस अनुष्का, नाउ यू टेल बेटा. मैम, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. वेरी गुड अनुष्का. चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो किसी भी पर्सन में या किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो स्टेबल है, हमेशा जो एनर्जी लगी होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स स्थितिज ऊर्जा. और हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द एनर्जी रिलेटेड विद द मोशन. तो ये वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी पर्सन में उसकी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, उसकी मूवमेंट करने में हेल्प करती है. तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं. ओके. चले, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ओके. यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम. यस मैम. अब हमें क्या पढ़ना है? सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं, एनर्जी हमें किन चीजों से मिलती है. तो जब अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हम सभी ने क्या पढ़ा था कि वहां पर जो सन है, दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये अकेला ऐसा सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, सन से, और ये कंटिन्यू हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है. चलिए, तो अब हमें क्या पढ़ना है कि सन के अलावा और कौन कौन सी एनर्जी है, और किस एनर्जी को किस फॉर्म में चेंज करते हैं वो. तो अभी देखिए, हम इसके साथ ही ना और बहुत सारे एग्जांपल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके. चलिए, तो अब आते हैं. तो यहां पर है दो हमारे द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ आर द सन, विंड एंड द वॉटर. तो कौन कौन है हमारी अर्थ पे ऊर्जा के, एनर्जी के सोर्सेस? सबसे पहला है सन, सेकंड इज विंड, एंड थर्ड लास्ट इज वाटर. तो सूरज, हवा और पानी, ये तीन ऐसे हैं जो हमारी अर्थ पे सभी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ओके. चलिए, तो अब हम आते हैं आगे. अब देखिए, एक चीज और आपको पढ़नी है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं इसके साथ साथ अभी और एग्जांपल भी दूंगी. तो सबसे पहले है सन. तो द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सूरज हमें क्या देता है? रोशनी और प्रकाश. तो आपको ये सन एंड विंड दोनों वाले, दोनों जो टॉपिक है ना, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सी एनर्जी किस में चेंज होती है, और अभी हमें इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी डिस्कस करने हैं. तो जो सन है वो हमें हीट एंड लाइट, यानी कि गर्माहट भी देता है और रोशनी भी देता है. गर्माहट देता है जिसकी वजह से हम सर्दियों में जाकर के छत पे बैठते हैं कि थोड़ा सा ठंडी से राहत मिल जाए. एंड रोशनी भी देता है, क्योंकि और इसकी रोशनी हमें कब फील होती है? रात में. जब रात हो जाती है, हमें कुछ भी नहीं दिखता, तो तब हमें लगता है कि दिन हो जाए जल्दी से. तो यानी जो सन है वो हमें हीट एंड लाइट ये दोनों ही प्रोवाइड करता है.
द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी. तो जो भी एनर्जी, दैट मीन्स चाहे वो उसकी गर्मी हो चाहे वो उसकी रोशनी हो, इन दोनों ही एनर्जी को हम जिस भी फॉर्म में प्राप्त करते हैं, तो जो सन की एनर्जी है दिस इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, जिसे सौर ऊर्जा भी कहा जाता है. ओके तो आपको सोलर सोलर एनर्जी नाम याद रखना. This is the energy that we get from the sun. तो solar energy क्या है, जिसे हम sun से प्राप्त करते हैं, जो sun हमें देता है. Plant use their energy to prepare food. पौधे भी same इसी energy का use करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. And the food that the plants prepare have energy stored in them in chemical form. अब जब पौधे खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो इस energy को store करते हैं chemical form में. देखिए अभी यही चीज है जो आपको ध्यान से सुननी है. तो जब वो सन से एनर्जी लेते हैं क्या करते हैं, फिर उस एनर्जी को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल में. और केमिकल एनर्जी के थ्रू अब वो अपना खाना बनाएंगे और उनका खाना रेडी हो जाएगा. अब आगे देखिए, अभी एक चीज और ध्यान से सुननी है. व्हेन एनिमल ईट द फूड द केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी. और जब एनिमल्स इसी प्लांट प्रोडक्ट को खा लेंगे, तब ये केमिकल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में. और जो मैकेनिकल एनर्जी है अलाउज अस टू वॉक, रन, क्लाइंब एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज. तो अब देखिए, जब मैकेनिकल एनर्जी आ गई हमारे पास या फिर एनिमल्स के पास, तो अब क्या करेगी वो, इट इज अलाउ, ये हमें क्या करने के योग्य बनाएगी, वॉक, टू वॉक यानी कि चलने के, रन दौड़ने के, क्लाइंब चढ़ने के, सीढ़ियां चढ़ने के, एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज. तो हम सारे काम इसी के थ्रू कर पाएंगे. सोलर एनर्जी हैज हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. अब सोलर एनर्जी, अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारा सन है वो हमें रोशनी भी देता है और गर्माहट भी देता है. तो उसके पास एक तो हीट एनर्जी भी है, दूसरी लाइट और एनर्जी भी है. यानी कि एक हो जाती है इसकी हीट एनर्जी और दूसरी लाइट एनर्जी. सोलर एनर्जी कैन आल्सो बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी किया जाता है. तो देखिए, अब आप सभी को मैं क्या बताना चाह रही थी, कैसे एनर्जी किस किस में कन्वर्ट हो गई है. तो देखिए, सबसे पहले जो सन ने दी हमें, जो ऊपर से मिली, दिस इज द सोलर एनर्जी. ओके, अब जब प्लांट ने इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, तब क्या किया उन्होंने, उन्होंने सोलर एनर्जी को सोलर ही नहीं रहने दिया, उन्होंने सोलर एनर्जी को यूज किया और सोलर एनर्जी को पानी की और क्लोरोफिल की सहायता से किस में कन्वर्ट कर दिया, अब केमिकल एनर्जी में. क्योंकि जो भी हम खाना बनाएंगे ना, जो भी खाना बनाते हैं हम, उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, चाहे वो पानी है चाहे वो कोई और चीजें हैं, दिस इज द केमिकल फॉर्म. तो अब सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, केमिकल एनर्जी में. और फिर क्या होगा, इस केमिकल एनर्जी, ये जो केमिकल एनर्जी है, इससे पौधों ने खाना बनाया, और जब इन्हीं पौधों को एनिमल बींग या ह्यूमन बींग्स खा लेंगे, तो ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा. और इसका इस्तेमाल वो क्यों करेंगे, अब अपने काम करने के लिए. तो अब देखिए, इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. सबसे पहले देखिए, आपके घर में जब खाना बनाया जाता है तो क्या करती है आपकी मम्मी, या तो सिलेंडर जलाती हैं या चूल्हा जलाती हैं, दोनों में से कोई चीज चाहिए ना. या yes, ma'am. इन दोनों के बिना yes, खाना नहीं बन सकता. तो देखिए, वो क्या यूज करेंगी, हीट एनर्जी. हीट एनर्जी हमें कहां से मिलेगी, या तो चूल्हे से, या फिर गैस सिलेंडर, या फिर स्टोव से. तो अब वो हीट एनर्जी को खाना बनाने में यूज करेंगी, और अब क्या किस में चेंज कर देंगे उसे, केमिकल एनर्जी में. ओके, क्योंकि हम लोग भी जब खाना बनाएंगे तो खाना बनाना क्या है, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में. और उस केमिकल एनर्जी को जब हम लोग खा लेंगे, तब वो किस में चेंज हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में. ओके, समझ आया सभी को? यस मैम, यस मैम. अब देखिए, यस मैम. अभी एक और चीज मैं आपको बताती हूँ. जैसे आप सभी ने पढ़ा है, पानी से बिजली तैयार की जाती है, जानते हैं ना आप सभी. यस मैम. हाइड्रो पावर है जिसमें, यस, हाइड्रो पावर यानी कि चलता हुआ पानी, गिरता हुआ पानी एनर्जी देता है. कभी भी खाली पानी से या जो पानी पड़ा हुआ है उससे एनर्जी नहीं जनरेट की जाती, उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं तैयार की जाती है. जब पानी गिरता रहता है झरने की फॉर्म में, तो उससे, उस चलते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है.
तो अब देखिए ये है हाइड्रो पावर, उसे टाइडल एनर्जी भी कहा जाता है, और जब उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके तो यस मैम पढ़ना ये है कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है। आप सभी अपने घर में टीवी चलाते हैं, स्विच चलाते हैं, तो यहाँ पर भी एक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। कैसे? देखिए जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या होगा, बल्ब ऑन हो जाएगा ना। यस यस मैम यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, आपने बिजली का उपयोग किया यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया, और अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है, लाइट एनर्जी में, क्योंकि आपको रोशनी मिल रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में। और जब आपने टीवी ऑन किया तब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब की बार लाइट एनर्जी में नहीं होगी, मैम आपकी क्योंकि वॉइस नहीं आ रही है। मैम जब आप टीवी आपकी ऑन। वॉइस कट कट के आ रही है। यस बेटा, प्रॉपर आवाज जा रही है? सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी मैम में नहीं आपकी हो रही? वॉइस प्रॉपर आ रही है। मैम यस आपकी बेटा, वॉइस कट कट तो कट जिनके कर आ यहाँ, रही है। जिनके यहाँ नहीं आ रही है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वो लोग वेट करेंगे, अभी आपके यहाँ भी प्रॉपर जाने लगेगी। यस तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब आप टीवी सेट ऑन करेंगे तब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होगी, अब हीट एनर्जी में नहीं, किस में चेंज हो जाएगी अब वो, मैकेनिकल एनर्जी। चलिए अभी हम आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में भी बताया जाएगा किस में कन्वर्ट होगी। ओके तो अभी हमने यस पढ़ा है मैम सन के बारे में, सन से मिलती है हमें सोलर एनर्जी, जब प्लांट इसे ले लेते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए, इस सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। और जब इसी प्लांट को एनिमल्स खा लेते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स खा लेते हैं तो वो इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। ओके और एनर्जी। ये जो यस मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी है, ये हमें मैम चलने, दौड़ने, पढ़ने, लिखने, कूदने, फांदने सब में मदद करती है। चलिए तो अब आगे आते हैं। तो जो सोलर एनर्जी है ये हमें हीट भी देती है एंड लाइट भी देती है, और इसको इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। पता ही होगा आप सभी को, आपके स्कूल में सोलर पैनल लगे हुए हैं, वहां पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किस यस फॉर्म में होता है, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैम ओके और यस जब आप उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब आप बल्ब जलाने के लिए ऑन कर लेंगे, तब आपकी सोलर एनर्जी पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और अब बल्ब ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी में। ओके लाइट एनर्जी लाइट यस चलिए तो मैम अभी हमने पढ़ा है सन के बारे में, अब हम बात आते हैं विंड के बारे में। विंड के बारे में पढ़ना है हमें, तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड, चलती हुई हवा को विंड कहा जाता है। हम ये पढ़ चुके हैं फिलहाल, सेकंड में, थर्ड में, सब में पढ़ा है हमने विंड के बारे में। तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड, चलती हुई हवा को क्या कहा जाता है, विंड। इट हेल्प अस सेल बोट एंड फ्लाई काइट्स। अब ये किस किस चीज में हेल्प करती है, नाव चलाने में एंड पतंग उड़ाने में। अगर हवा बहुत अच्छी चल रही होती है तो पतंग उड़ती हुई आसमान में बहुत दूर चली जाती है, देखा होगा आप सभी ने। यस मैम और यस मैम जिस समय हवा यस धीरे धीरे चल मैम रही होती है तब पतंग ऊपर नहीं जाती, और तब मजा भी नहीं आता पतंग उड़ाने में। चलिए तो और केवल पतंग उड़ाने में ही नहीं, जो हमारी नाव चलती है, जिस नाव पे सभी लोग वोटिंग करते हैं, तो उस नाव को चलने के लिए भी किसकी हेल्प की जरूरत होती है, विंड की। विंड तो द एनर्जी प्रोसेसिंग बाय विंड विंड इज मैम नोन विंड एज विंड की एनर्जी। यस तो बेटा अब देखिए, जो एनर्जी विंड के थ्रू मिलती है हमें, दिस इज कॉल्ड विंड एनर्जी। ओके पवन ऊर्जा, आप सभी ने पर्यायवाची पढ़े होंगे, हवा को वायु पवन भी कहा जाता है, वायु पवन समीर। तो इसे पवन ऊर्जा भी कह सकते हैं हम, वायु ऊर्जा भी कह सकते हैं, समीर ऊर्जा भी कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये हमारी जो विंड एनर्जी है, दिस इज पवन ऊर्जा, इट इज यूज फॉर रनिंग विंड मिल्स विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका इस्तेमाल इन पवन चक्कियों को चलाने के लिए किया जाता है, और इन वाइंड मिल के थ्रू, सॉरी ये जो विंड मिल है इनके थ्रू क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है।
ओके यस मैम। तो यानी कि यहाँ पर हमारी जो विंड एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके हमारी विंड एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए अभी तक आपने जितना पढ़ा सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वाटर। अब वाटर के बारे में हमें क्या बताया है, लाइक विंड मूविंग वाटर आल्सो हैज अ ग्रेट फोर्स। अब जैसे चलती हुई हवा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देती है, ऐसे ही चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी। मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो पानी रुका हुआ है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी रेडी नहीं कर सकते हैं। जब ये पानी बहता रहेगा तभी इसके पास पावर आती है और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओके यस मैम। तो देखिए लाइक विंड मूविंग वाटर आल्सो हैज ग्रेट फोर्स, इसमें भी बहुत फोर्स होता है। वी बिल्ड डैम्स ओवर रिवर्स टू कन्वर्ट द एनर्जी फॉर वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर, और इसी पर्पज से कि जब ये पानी गिरेगा तो इसी पानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार की जाएगी। देखिए अगर ये डैम ना बनाए होते तो नदी का पानी आराम से इधर उधर जा सकता था, गिरता नहीं फिर वो। तो यहाँ पर बहते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। मूविंग वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट ऑन टर्बाइन। तो ये जो मूविंग वाटर है यानी कि चलता हुआ पानी, ये कैसे गिरता है, यहाँ ये जो डैम बने हैं इनकी हेल्प से। ओके तो ये ऊंचाई से पानी गिरता है। अब ये जो पानी गिर रहा है पतली पतली धाराओं के रूप में, हर ये जो होल बनाए गए हैं इनके थ्रू पानी गिर रहा है, और इसी से क्या किया जाएगा, द एक्शन ऑफ दिस टर्बाइन हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसी चलते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। ओके तो ये जो चलता हुआ पानी है इससे क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो अभी देखिए हमने क्या पढ़ा, सोलर पैनल का इस्तेमाल भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए होता है, दूसरा विंड का इस्तेमाल भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, पानी का इस्तेमाल भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। ओके यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए तो अब आगे देखते हैं भी और क्या बताया है हमें इसके बारे में। तो अब है फ्यूल। अभी इनके बारे में पढ़ने के पहले एक बार हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं पहले। चलिए तो अभी मैंने आप एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, जब हम टीवी ऑन करेंगे तब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मालूम है आपको मैम? लाइट एनर्जी। नो बेटा, हम उसे लाइट के लिए नहीं यूज करते। लाइट के लिए जब हमने बल्ब जलाया या फिर ट्यूब बल्ब जलाया तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं लाइट एनर्जी के लिए, लेकिन हम लोग टीवी क्यों चलाएंगे, सुनने के लिए और देखने के लिए ना? यस मैम। तो यानी कि फॉर साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन साउंड एनर्जी में तब जब हम उसको केवल सुने देखे नहीं। तो यानी कि जो रेडियो चलाए जाएंगे, अगर रेडियो चलाते हैं लोग, अगर हम लोग रेडियो चलाते हैं तब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी। चलिए एक एक और एग्जांपल है, सब हमारे यहाँ जो रेडियो सेट आता है ना उसको हम लोग इलेक्ट्रिक से नहीं चलाते हैं, उसको हम लोग बैटरी सेल यूज करके चलाते हैं। तो आप लोग ये बताएंगे वहां पर कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैम? लाइट एनर्जी। एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट। साउंड एनर्जी। नो, बैटरी में केमिकल यूज होता है। यस बेटा, जो सेल या बैटरी होती है उसमें केमिकल यूज होता है, तो केमिकल एनर्जी आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ओके यस मैम। चलिए मैम, ये जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? चलिए तो अब एक बार फ्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं फिर। फ्यूल।
यस, फ्यूल के बारे में पढ़ना है हमें. फ्यूल यानी कि ईंधन. फ्यूल यानी कि ऐसी चीजें जो जल करके एनर्जी दें, जो बेचारी खुद जले लेकिन हम लोगों को एनर्जी दे. चलिए अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ये कौन है जो ड्राइंग बना रहा है? यस, तो देखिए हमें क्या पढ़ना है फ्यूल के बारे में. और ये अपने स्क्रीन पे कोई कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा. यस, तो हमें क्या पढ़ना है फ्यूल के बारे में. तो सर्टेन सब्सटेंसेस हैव वेरी हाई एनर्जी स्टोर्ड इन देम. कुछ ऐसे चीजें हैं जिनमें बहुत हाई लेवल की एनर्जी स्टोर रहती है, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड कैरोसिन ऑयल आर अ फ्यू सच सब्सटेंसेस दैट गिव हीट एनर्जी ऑन बर्निंग. तो अब ये देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो जलने पर हमें हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं, गर्माहट देते हैं. अब ये कौन कौन सी चीजें हैं देखिए, ध्यान से सुनना आप सभी को. तो बेटा फ्यूल ऐसी चीजें हैं, फ्यूल क्या होती है, जो जल करके हमें एनर्जी देती हैं. ये चीजें जब जलती हैं तभी एनर्जी देती हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो घर का सिलेंडर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कैरोसिन ऑयल हो. ये सारी चीजें जब जलती हैं तभी एनर्जी देती हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पेट्रोल भी जलता है? यस मैम. आप सभी ने गाड़ी से धुआं निकलते हुए देखा होगा. यस मैम. मैं आपको बताऊं, यस, जब भी कोई गाड़ी चलाई जाती है, कोई भी व्हीकल स्टार्ट किया जाता है, तो जो उसके अंदर पेट्रोल या डीजल यूज किया गया है वो जलता है, तभी वो इंजन स्टार्ट होता है. ओके तो ये चीजें ऐसी हैं फ्यूल सारे ही जो हमें जल करके एनर्जी देते हैं. तो देखिए अब इसमें हमें एग्जांपल भी दिया है, हमारी हमारा वुड यानी कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी एंड कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, ये सारे ही ऐसे एग्जांपल हैं जो हमें हीट एनर्जी देते हैं जल करके. जब भी ये जलते हैं तो हमें हीट एनर्जी देते हैं. तो द हीट जनरेटेड बाय दिस सब्सटेंस इज यूज फॉर कुकिंग फूड, हीटिंग वाटर एंड रनिंग मशीन्स लाइक कार, बसेस, ऑटो रिक्शा एंड रेलवे इंजन. तो ये जो इनके द्वारा ये जो जलने पर जो हमें हीट एनर्जी देते हैं, इस हीट को हम किस लिए यूज करते हैं? या तो खाना बनाने के लिए, या फिर पानी गर्म करने के लिए, या फिर मशीन चलाने के लिए जैसे कि कार, बस, ऑटो रिक्शा एंड रेलवे इंजन. तो इन सभी चीजों को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं. ओके यस मैम. आगे देखिए क्या दिया है हमें, फ्यूल्स आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब कुछ फ्यूल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग. तो जलने पर कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर लाइटिंग बल्ब एंड ट्यूबलाइट एंड रनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज हॉट प्लेट्स, माइक्रोवेव, ओवन, फेन्स, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर. तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती हैं. ओके तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं बल्ब जलाने के लिए, ट्यूबलाइट जलाने के लिए, या फिर कई और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट मीन्स बिजली के कई और उपकरण भी चलाने के लिए, जैसे कि हॉट प्लेट यानी कि इंडक्शन जिसपे हम खाना बनाया जाता है बिजली से. दूसरा है माइक्रोवेव या ओवन जिसमें केक या पिज्जा वगैरह रेडी किया जाता है, बनाया जाता है. दूसरा है फैंस यानी कि पंखा. अब दूसरा है इलेक्ट्रिकल मिक्सर यानी कि मिक्सर जिसमें मसाला वगैरह पीसा जाता है. दूसरा है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज और एक एयर कंडीशनर. तो ये सारी ही ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं. ओके यस मैम. यस मैम. यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये देखिए. अब आपको यहाँ बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी यहाँ पर. यस जब हम केक बनाते हैं कुकिंग में नहीं, आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कौन सी एनर्जी किसमें ट्रांसफर होगी. तो कौन सी एनर्जी तो बताना ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर बिजली से चलाया गया है. तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी अब,
बर्निंग हीट एनर्जी में, पहले ये गर्म करेगी ना. यस मैम. पहले या तो ये इंडक्शन प्लेट गर्म होगी या ओवन गर्म होगा तभी खाना बनना शुरू होगा. अगर ठंडा रहेगा तो खाना नहीं बनेगा. तो पहले हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में. और हीट एनर्जी को अब हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में. क्योंकि जो भी खाना बनेगा वो पहले जैसा ही नहीं रहेगा, कच्चा नहीं रहेगा, पक्के तैयार हो जाएगा. यानी कि उसके उसमें केमिकल चेंज आया है. ओके, तो अब यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और हीट एनर्जी किसमें हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में. अब यहां पर देखिए, यहां आपको बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी. अगर आपने फैन चलाया तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? अब डायरेक्टली विंड एनर्जी. नो, काइनेटिक एनर्जी में होगी, फैन में. जैसे ही आप बिजली का बल्ब स्विच ऑन करेंगे, पंखा चलने लगेगा ना, मोशन में आ जाएगा. यस, आएगा या नहीं? आएगा. तो यानी कि यहां पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में. चलिए, और क्या दिया है हमें? दिस देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर. तो बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं एनर्जी के जहां पर हम एक प्रकार से उसे दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when our television is switch on, electrical energy is converted into sound and light energy. चलिए, तो light आप लोग ठीक बता रहे थे, confusion थी, अब दूर हो गई. तो जब आप सभी ने electric से टीवी ऑन किया तो आप जैसे ही टीवी ऑन करेंगे क्या होगा? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? साउंड एनर्जी में एंड लाइट एनर्जी में. क्योंकि उससे हल्की हल्की रोशनी भी आती है, उसी की वजह से आपको पिक्चर दिखाई देती है उसमें. और दूसरा साउंड एनर्जी, क्योंकि बिना आवाज के किसी भी मूवी में या किसी सीरियल में या किसी सॉन्ग में मजा नहीं आता. आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है, कौन सा गाना चल रहा है. तो देखिए, अब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई है? साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में. ओके. यस मैम. यस मैम. यस मैम. रेडियो ऑन किया जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली साउंड एनर्जी में चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट, कोई रोशनी, कोई पिक्चर नहीं दिखाई देगी. जब ट्यूबलाइट ऑन की तब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब किसमें कन्वर्ट हुई है? लाइट एनर्जी. यस, लाइट एनर्जी. वेरी गुड. और यहाँ पर बल्ब जलाते टाइम भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लाइट. लाइट लाइट एनर्जी. चलिए, तो देखिए, अब हमें क्या बताया है. ऑन बर्निंग वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो अब उसमें जो केमिकल एनर्जी थी, जो उसकी रासायनिक ऊर्जा थी, वो किसमें चेंज हो जाएगी? अब हीट एनर्जी में. हीट एनर्जी. अब सेम इसी तरीके से जब आपने केरोसिन ऑयल को जलाया या आप क्या करते हैं गाड़ी में जैसे पेट्रोल डाला, तो अब यहां पर जो आपका जो पेट्रोल है उसकी जो केमिकल एनर्जी थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो जाता है ना, बचा नहीं रहता वो. तो यानी कि उसकी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अब हीट एनर्जी में. वो गर्म होगा, जलेगा, तभी गाड़ी चलेगी. चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं. आप अपने घर में कैंडल जलाते हैं, कैंडल, तो कैंडल जलाने में कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? मैम हीट एनर्जी. चले, कौन ऐसे सबको नहीं बोलना है, एक पर्सन को ही बताएगा. यस, अंचित से स्टार्ट करते हैं. यस अंचित, नाउ यू टेल, जब आप कैंडल जलाएंगे तो कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? मैम लाइट एनर्जी. कौन सी एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी? चलिए, कौन बताएगा इसका आंसर? यस आदर्श. मैम हीट एंड लाइट एनर्जी. हीट एंड लाइट एनर्जी. चलिए, और कौन बताएगा? अभी फिलहाल करेक्ट आंसर नहीं मिला है. यस आस्था, नाउ यू टेल,
जब हम कैंडल जलाएंगे तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मैम हीट एनर्जी, मैम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। नो, अभी भी करेक्ट आंसर नहीं है। यस अनुष्का, नाउ यू टेल। हीट एनर्जी। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? चलिए अब एक चीज मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ। देखिए आपको बेटा यहाँ पर वही चीज समझाई गई है। ऑन बर्निंग वुड, यानी जब लकड़ी जलेगी तो उसकी जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। तो जो भी चीजें जलेंगी और जल करके खत्म हो जाएंगी तो उनमें केमिकल एनर्जी है, और उनकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किसी दूसरी एनर्जी में। तो जब हम कैंडल जलाते हैं तो हमारी कैंडल की जो केमिकल एनर्जी है, हमारे कैंडल की केमिकल एनर्जी वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नो बेटा, हम लोग कैंडल को हम लोग हीट के लिए जलाते हैं क्या? गर्मी के लिए जलाते हैं कि हम लोगों को गर्मी लगने लगे? लाइट एनर्जी। यस लाइट एनर्जी। कैंडल से हम लोग गर्मी थोड़ी पा सकते हैं कि हमने कैंडल जला ली बस स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ कैंडल के अगल बगल, ऐसा हो सकता है? No, ma'am. तो फिर no, आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि हीट एनर्जी के लिए होता है, लाइट एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके यस मैम। तो जब हम कैंडल जलाएंगे तो हमारी जो केमिकल एनर्जी थी कैंडल की वो किस में चेंज हो जाएगी? लाइट एनर्जी में। ओके लाइट एनर्जी। चलिए अब दूसरा है, हम लोग दिवाली पे दिए जलाते हैं तो अब दिए जलाने में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी होगी यहाँ पर भी, क्योंकि जब भी हम दिया जलाएंगे तो हमें उसमें या तो तेल या घी कुछ चीज यूज करनी पड़ेगी ना, तो जब हम डालेंगे तो अब उसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब उससे हमें रोशनी मिलने लगेगी। ओके यस मैम। चलिए तो बहुत सारे डिस्कशन करी अभी हमने आज, अब एक बार जितना पढ़ा है ना इस पूरे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू वी सेव एनर्जी, हम लोग एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ओके यस मैम। अच्छा चलिए, तो आज आपको क्या करना है ये देखिए सभी, आपको ये होमवर्क करना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कर लेंगे ना आप सभी? यस मैम। तो ये हम कर चुके हैं पहले ही। यस, फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है और ये क्वेश्चन आंसर भी करना है, दोनों का आंसर सेंड करना है आज आपको। तो देखिए एक बार हम फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर लेते हैं। यस, प्लांट्स यूज डैश एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, प्लांट्स कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? सभी को नहीं बोलना है, जिससे पूछा जाएगा केवल वही बताएंगे। तो प्लांट्स यूज डैश एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। यस आस्था, नाउ यू टेल बेटा। मैम केमिकल एनर्जी। नो बेटा, हम इन केमिकल एनर्जी तो हम लोग यूज कर लेंगे जब हम लोग खा लेंगे इन्हें। प्लांट अभी कौन सी एनर्जी यूज करके अपना खाना बनाएंगे? मैम सोलर एनर्जी। यस सोलर एनर्जी। तो प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। अब नेक्स्ट देखते हैं, डैश एनर्जी इज यूज टू लाइट बल्ब, लाइट को बल्ब को जलाने के लिए, यानी कि हम सभी अब अपने घर में बैठे हैं बल्ब जला के बैठते हैं, अंधेरे में कोई भी नहीं बैठता, तो अब हमने यहाँ बल्ब जलाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज की है? यस अंचित, नाउ यू टेल। लाइट मैम। हम लाइट एनर्जी। नो लाइट यहाँ पर
लाइट एनर्जी मिली है लेकिन हमने यूज कौन सी की है, यूज पूछा आपसे। यस अनुष्का, नाउ यू टेल। मैम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की हम सभी ने। तो जहां पर यूज पूछा हो ना वहां पर आपको ये बताना है कि हमने यूज क्या किया है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की है लाइट बल्ब को लाइट करने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है डैश एनर्जी टू यूज टू कुक फूड। कौन सी एनर्जी खाना बनाने के लिए यूज होगी? यस सिमरन, नाउ यू टेल बेटा। बेटा आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। साक्षी, नाउ यू टेल। हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, यस। ममता, नाउ यू टेल। हीट एनर्जी। संजना, नाउ यू टेल। ये देखिए अभी हमने